राशन कार्ड को लेकर एक बार फिर से नियमों में बदलाव किया गया है। हालांकि सरकार का कहना है कि उन्होंने कभी इस तरह के नियम बनाए ही नहीं थे, ये तो विपक्ष की चाल थी सरकार को बदनाम करने की। इससे पहले राशन के नियमों पर अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि चुनाव से पहले कुछ और घोषणा और चुनाव के बाद कुछ और। दूसरी ओर कांग्रेस ने भी राशन बांटने को सरकार का छल बताया था और अपात्र राशन कार्ड धारकों से वसूली को छल बताया गया था। इसके लिए बाकायदा लखनऊ में कांग्रेस दफ्तर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी, जिसमें कहा गया था कि इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया जाएगा। जिसके बाद खाद्य आयुक्त ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत अपात्र कार्ड धारकों से वसूली जैसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। उन्होंने बताया कि केवल वो लोग अपात्र माने जाएंगे जिनके पास 100 वर्ग मीटर का प्लाट या मकान होगा, चार पहिया वाहन या ट्रैक्टर होगा, घर में एसी होगा, परिवार की आय गांव में 2 लाख रुपए और शहर में 3 लाख रुपए से ज़्यादा होगी, 5 KVA क्षमता का जनरेटर होगा, शस्त्रों का लाइसेंस होगा या फिर 5 एकड़ से अधिक सिंचित ज़मीन होगी। देखिए, राशन कार्ड के लिए जो अलग अलग अफवाहें फैलाई जा रही हैं जी, वो निराधार हैं जी। शासन ने कोई नया नियम या नया कोई आदेश जारी नहीं किया है जी। 2014 में जो शासनादेश था राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत, उसमें पात्रता और अपात्रता की शर्तें निर्धारित की गई थी। इसके अतिरिक्त वर्तमान में कोई भी नया नियम और कोई भी आदेश जारी नहीं किया गया है। 2014 में जो शासनादेश था उसमें स्पष्ट ये लिखा था कि जो समस्त आयकरदाता हैं, ग्रामीण क्षेत्र में 2 लाख से अधिक इनकम वाले, शहरी क्षेत्र में 3 लाख से अधिक इनकम वाले, ग्रामीण क्षेत्र में 5 एकड़ से अधिक जमीन वाले, सिंचित जमीन वाले और परिवार की जो उनकी सम्मिलित आय जो है, ग्रामीण क्षेत्र में 2 लाख से अधिक, 5 किलोवाट का कनेक्शन अथवा विद्युत जनरेटर, 4 पहिया वाहन, 1 से अधिक शस्त्र जिसके पास होगा और समस्त आय करदाता, ये अपात्र होंगे। मुद्दे का कोई आदेश नहीं जारी किया गया है जी जी। जो पात्रता अपात्रता का है जी, इसके लिए जो गाइडलाइंस है 2014 की वो मैंने आपको अवगत करा दिया। इसके अतिरिक्त मैं स्पष्ट फिर कहना चाह रहा हूँ, सरकार ने कोई भी नया आदेश या कोई नियम नया नहीं जारी किया गया है। जो 2014 का आदेश है उसमें यह स्पष्ट है कि लोगों की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति लगातार चेंज होती रहती है। 10 साल पहले जो गरीब था वो जरूरी नहीं है वो आज भी गरीब हो। बिल्कुल, उसमें पात्रता के अनुसार जो है समय समय पर एक सब प्रक्रिया है, नियमित प्रक्रिया होती है, शासन भी चेक करता है, लोग स्वतः भी नौकरी लगने पर, अपनी आर्थिक स्थिति परिवर्तन होने पर, आयकरदाता होने पर, 4 पहिया वाहन खरीदने पर सिलेंडर स्वयं कर देते हैं। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र के जो भी ग्राम विकास अधिकारी, लेखपाल, ग्राम पंचायत अधिकारी जी, इन लोगों की रिपोर्ट भी आती रहती है जी, उसके आधार पर जो है उनको जो है अपात्र लोगों को बांटकर पात्र लोगों का चयन किया जाता है। ये सतत प्रक्रिया है, कोई नया शासनादेश नहीं लागू किया गया है।